हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्नैपचैट का कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करें। स्नैपचैट कैमरा सेटिंग। गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं स्नैपचैट को ओपन किया हूं एंड स्नैपचैट ओपन करने के बाद यहां पर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर कैमरा ओपन होने के बदले यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन मिल रहा है और गाइज यहाँ पर मैं जब टर्न ऑन पर क्लिक करता हूँ तो फिर से हमारे सामने एक नया पेज खुल करके ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपके भी स्नैपचैट का कैमरा ओपन नहीं हो रहा है और आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल आर ए ट्रिक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आर ए ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। तो स्नैपचैट कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सभी के फ़ोन में सेटिंग होती है तो मैं यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो जो स्टेप बताऊंगा सेम टू सेम स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 200% ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। स्नैपचैट कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। तो सेटिंग ओपन करने के बाद यहां पर बहुत सारा सेटिंग हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाइए, ओके गाइड। एंड नीचे आने पर आपको ढूंढ लेना है मैनेज ऐप या फिर ऐप नाम से सेटिंग मिलेगा। यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ऐप नाम से सेटिंग है। हो सकता है कि अगर आपका किसी अदर ब्रांड का फ़ोन होगा उसमें मैनेज ऐप नाम से भी सेटिंग मिल सकता है। तो आप अपने फ़ोन में ढूंढ लीजिए कि आपके फ़ोन में मैनेज ऐप नाम से सेटिंग है या फिर ऐप नाम से सेटिंग है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ऐप नाम से सेटिंग है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड जैसे ही हम ऐप वाले सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज खुल करके ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर दूसरे नंबर में मैनेज ऐप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी मैनेज ऐप पर क्लिक करना है एंड सर्चिंग लेने के बाद गाइज नीचे के साइड में यहाँ पर बहुत सारा हमें एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि ऐप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ओके गाइज। एंड नीचे आने पर आपको ढूंढ लेना है स्नैपचैट, ओके गाइज। तो मैं यहाँ पर स्नैपचैट ढूंढ लेता हूँ। तो गाइज, अगर आपको स्क्रॉल डाउन करने पर नहीं मिल रहा है स्नैपचैट तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए यहाँ पर सर्च बॉक्स पर, ओके गाइज। तो मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करता हूँ एंड सर्च बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है स्नैपचैट, ओके गाइज। इस तरीके से आपको टाइप कर देना है एंड टाइप करने के बाद यहाँ पर स्नैपचैट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको स्नैपचैट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड जैसे ही हम स्नैपचैट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ओके गाइज। एंड नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्टार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप परमिशन, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल सा गाइज, हमें इसी ऐप परमिशन पर क्लिक करना है, यानी कि ओके करना है। एंड जैसे ही हम इस ऐप परमिशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर में एक ऑप्शन मिलेगा कैमरे का, यहाँ पर देख सकते हैं। और जस्ट उसके साइड में राइट हैंड साइड में यहाँ पर ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके हमें इसे ऑन कर देना है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। एंड जैसे ही हम इसे ऑन कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करके बैक कर देना, ओके गाइज। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, ओके गाइज। तो यहाँ पर आप भी बैक कर दीजिए, ओके। एंड बैक करने के बाद आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाइए। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। एंड उसके बाद आप अपने स्नैपचैट को ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं स्नैपचैट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा स्नैपचैट ओपन हो चुका है। एंड स्नैपचैट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा भी ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने स्नैपचैट का कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय।